आरसीएम में मैं कभी किसी को सिखाने का प्रयास नहीं करता हूँ और ना ही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ अनुभव है जो हमने इस बिजनेस को जिया है, मैं वही शेयर करता हूँ, अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और मेरा जो फीलिंग है, मेरी जो एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को लेके, वो इतना डेप्थ तक है, इतनी गहराई है कि अगर मैं वो फीलिंग आप में ट्रांसफर कर सकूं, उसका 10% भी ट्रांसफर कर सकूं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। देखिए, सबसे जरूरी आरसीएम करना महत्वपूर्ण नहीं है, आरसीएम बहुत लोग करते हैं, आरसीएम को फील करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कितना फील करते हैं, क्योंकि फीलिंग होगी तो हीलिंग होगी। बीसी सर कहते हैं कि फीलिंग होगी तो हीलिंग, फील का मतलब होता है महसूस करना। सोचते हैं वो नहीं होता है फील, आप महसूस क्या करते हैं। जस्ट लाइक ऐसे सोचिए कि हमारा एक बच्चा है और एक भाई का भी बच्चा है, हम अपने बच्चे को लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या वो फीलिंग हम अपने भाई के बच्चे के प्रति होती है? नहीं होती। फैक्ट यही है, सत्य यही है, कोई कितना भी नाटक कर ले बट वो फीलिंग नहीं आ सकती। लेकिन जो भाई के बच्चे के प्रति फीलिंग है, क्या पड़ोस के बच्चे के प्रति है? नहीं है। दिस इज कॉल्ड फीलिंग। फीलिंग क्या चीज होती है, मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। तो फीलिंग होगी तो हीलिंग होगी। हम लोग इस बिजनेस में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, बड़ा काम क्यों नहीं कर पाते, कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि हमारी फीलिंग में आज तक गरीबी है, समस्याएं हैं, लाचारी है, मजबूरी है, कमजोरी है, ये हमारी फीलिंग में अंदर तक घुसा हुआ है। हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं हमें यही नहीं पता है। 99% लोगों को ये पता ही नहीं है, दे डोंट नो व्हाई दे ज्वाइन अस। आपने क्यों किया है इस बिजनेस को, ज्वाइन क्यों किया है, आपको नहीं पता है, आपका पर्पस क्लियर नहीं है। मेरा पर्पस क्लियर था। मैं अपने बारे में बताऊं, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, वाराणसी में मैं रहता हूं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 12 साल जॉब किया, 12 ईयर्स। ये सत्य है कि आज यूनियन बैंक में मैं होता तो सीनियर मैनेजर होता, ब्रांच मैनेजर होता, चीफ मैनेजर होता। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हैंडेज ना करें, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अब मेरे को बुला ही लिया है तो कुछ देर झेल लीजिए, थोड़ी देर। सुनना बहुत कठिन काम होता है, मैं समझता हूँ, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप सुनेंगे और हमें कंसंट्रेशन के साथ बात करने देंगे, तो हमें नहीं पता कि सबकी जिंदगी बदलेगी, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर कुछ असर जरूर पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। तो रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, प्लीज आपसे बात करेंगे, आपका सवाल जवाब भी होगा, डोंट वरी, बट थोड़ा देर हमें बोलने दीजिए। तो मैं कहाँ था, लोग कहाँ भटक गए? सर जॉब कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे हाँ, सर, सर्विस यूनियन बैंक में आज मैं सीनियर मैनेजर होता, 1.25 लाख 1.5 लाख महीने की सैलरी होती, हमारे साथ के लोग आज अच्छे लेवल पे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है, घर मकान भी अच्छा है, बैंक पैसा देती है, अच्छा खासा रेंट देती है, मकान में रहने का रेंट इतना देती है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जो साथी हैं, एक एक साथी की जो आज बैंक रेंट देती है वो 30 से 35 हजार रुपये रेंट देती है, 30,000 मंथली। आप सोचिए, सैलरी के अलावे की बात मैं बता रहा हूँ। कार है उनके पास, और कार का पेट्रोल का पैसा भी बैंक देती है, इतना पेट्रोल देती है आप इमेजिन नहीं कर सकते, 100 लीटर, 125 लीटर पेट्रोल का पैसा देती है, अखबार खरीदने का पैसा देती है, एक भाषा में नहीं, आप अगर दो भाषा, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको दो अखबार का पैसा मिलेगा, अगर आप तीन खरीदना चाहते हैं तो तीन का मिलेगा, बच्चों का स्कूल फीस का बैंक देती है, फर्नीचर का पैसा देती है। अरे भाई, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, देखिए कौन है हमारे बीच में, नारायण महतो। स्क्रीन चलते पे थोड़ा पेशेंस रखो भाई। देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज,
क्या मुझे आरसीएम की जरूरत थी? आप अपने आप से पूछिए, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप खुद पूछिए। फर्नीचर का पैसा बैंक देती है, फर्नीचर आपके घर में सोफा बेड 10 साल जैसे ही होता है बैंक देती है फर्नीचर, सारा फर्नीचर बदल दीजिए आप हर 10 साल। क्या चाहिए आप बताइए, एक आदमी को कितना चाहिए? सब कुछ बैंक देती है, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई चैलेंज नहीं थे मेरे को। आज बहुत सारे लोग आरसीएम करते हैं, मैं देखता हूं कि उनके दिमाग में एक ही बात चलती है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। मैंने देखा है 99% लोग इस बिजनेस में जो भीड़ है ना, आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी बात करने के तरीके को देखिए। माहौल में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं, 2 दिन के अंदर देखिए उनकी हवा निकल जाती है। तो ये सब क्यों है, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। आज इस बिजनेस में अगर मैं स्टार रूपी बना तो संजोग से नहीं बना, किस्मत से नहीं बना, चांस से नहीं बना। लोग क्या कहते हैं, अरे पहले जुड़ जाते हैं ना वो कमा लेते हैं पैसा, ऊपर जुड़ जाता है ना वही पैसा कमाता है, नीचे वाला नहीं कमाता। समझदार लोग को ऐसी बात करते हुए आप सुनते होंगे, और बहुत सारे लोग मेरे को भी इस तरह से गाइड करते थे। बैंक का मेरा मैनेजर था, वो रोज मेरे को एक ही बात बोलता था, धर्मेंद्र तेरे से बड़ा बेवकूफ मैंने जीवन में नहीं देखा, तू बहुत बड़ा उल्लू है, तू बहुत बड़ा उल्लू है, तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैं बोलता था कि सर ऐसा क्यों बोलते हो? तो अरे तुम्हारे जैसे बेवकूफ दौड़ते हैं, काम करते हैं, अपना पेट्रोल फूंकते हैं, पैसा लगाते हैं, और पैसा ऊपर वाला कमाता है, कभी देखा है ऊपर वाले का चेक? मैंने कहा सर देखा है। बोले किसका देखा है? मैंने कहा हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार जी, एक बार उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। उनका नाम लेता हूं तो मेरे को कुछ होने लगता है। तो सुजीत सर का चेक मैंने उस समय 125,000 रुपया 1,25,000 महीने का मैंने देखा था, आज से 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जुलाई 2005। उस समय मेरे ब्रांच मैनेजर की सैलरी 25,000 थी, 25,000, और मेरी सैलरी 15-16,000 थी, और सुजीत कुमार जी की 1,25,000 का चेक देख के मैं पागल हो गया। देखो मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को कि रिजल्ट इज ब्यूटी। दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? सबसे सुंदर चीज है रिजल्ट। आप काम कर रहे हो और अगर रिजल्ट नहीं है तो आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया उसको नहीं मानती है। हमने आरसीएम को क्यों माना? क्योंकि रिजल्ट सुजीत कुमार सिंह जी के पास था, और उस रिजल्ट को देखने के बाद मैं पागल हो गया था, क्योंकि जिस बैंक की नौकरी कर रहा था वो बहुत मेहनत करने के बाद मुझे मिला था। बहुत टफ एग्जाम होता है, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ था, 17 लाख लड़के एग्जाम में बैठे थे, 17 लैक्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, 200 क्वेश्चन सॉल्व करना होता था मात्र 120 मिनट में, 36 सेकंड में एक सवाल सॉल्व करना है, 36 सेकंड, और उसमें 50 मैथ्स, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश और 50 एप्टीट्यूड का टेस्ट होता था, 200 क्वेश्चन बनाने होते थे। अगर आप पेन पर कैलकुलेशन करोगे ना तो कभी नहीं क्वालिफाई कर पाओ। आपको कैलकुलेशन कैसे करना है? ब्रेन में करना है, क्वेश्चन देखना है, ब्रेन में कैलकुलेट करना है और वहीं पर आंसर दे देना है, इतना फास्ट। और उस समय मैंने तैयारी की थी बीएससी एग्जाम का, पार्ट वन का एग्जाम को क्विट कर दिया था मैंने। हमारे बैंक के साथ हमारे जो साथ के लड़के थे पढ़ने वाले, उस समय मेरी हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि तुम बीएसआरबी की तैयारी कर रहे हो बीएससी का एग्जाम छोड़ के, क्योंकि बीएससी का एग्जाम 33% मार्क्स लाते ही आप पार्ट टू में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन वहां पे क्या है, कॉम्पिटिशन है, जब तक 200 में 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप, 200 में 200 नहीं लाएंगे, आप सिलेक्शन के बारे में सोच ही नहीं सकते। देखिए मैं अपनी कोई गुणगान नहीं गा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 15,000 की नौकरी के लिए मैंने कितना टफ एग्जाम क्वालिफाई किया, कितना मेहनत की मैंने, कितनी पढ़ाई की, पूरी पूरी रात जाग जाग के, खाना नहीं खाते थे, कुर्सी टेबल पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे। क्यों? पागलपन था कि मुझे बैंक में जाना है, नेशनलाइज बैंक में मुझे जॉब करना है, क्योंकि मेरे जीजा जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करते थे। मैं अक्सर उनके बैंक में जाके देखता था, पब्लिक लाइन में खड़ी होती थी, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़ी बड़ी डिग्री वाले, पैसे वाले लोग लाइन में आके खड़े होते थे, और मेरे जीजा जी इधर काउंटर के पीछे, मैं उनके साथ बैठता था।
तो वो मेरे दिमाग में ड्रीम बना था कि यार मुझे भी बैंक में जाना है, और यही कारण था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने दूसरी बार एग्जाम की तैयारी नहीं की, फॉर्म ही नहीं भरा। कुछ लोगों ने कहा नहीं हुआ तो, मैंने कहा नहीं हुआ तो डिक्शनरी में है ही नहीं। 6 महीना मैंने पढ़ाई की थी, 3 रात तैयारी किया था, पागल के जैसा तैयारी किया था। 24 आवर्स में शायद 2-4 घंटे रेस्ट लेते होंगे, मुझे याद नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि अगर मैं क्वालिफाई कर गया सीधा बैंक में। रिटेन टेस्ट क्वालिफाई किया, इंटरव्यू हुआ और फाइनली सिलेक्ट हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुझे मिला। और बैंक में भी आराम से पैसा नहीं मिलता था, सुबह से शाम गधे जैसे बैंक काम करवाती। देखिए मैं इसलिए बोला कोई बैंक वाला या नहीं है, अगर कोई होगा तो मुझे माफ करेगा। इतना बैंक काम करवाती। देखिए बैंक क्या है, बैंक बनियों का बनिया है। बनिया सारी दुनिया से पैसा कमाती है, बनिया सबसे कमाता है ना। और बैंक में सबसे ज्यादा कौन जाता है, किसको सबसे ज्यादा पाला पड़ता है, बनियों को। तो बैंक किसे कमाता है, तो बनियों से पैसा कमाता है। बैंक आम आदमी से पैसा नहीं कमाता, बैंक कमाता है बनिया से, उस बनिया से जो सारी दुनिया से बनिया पैसा कमा रहा है। आप सोचो बनियों का बाप है बैंक, और उस बाप जी के साथ मैंने 12 साल काम किया है, 12 ईयर। और यही कारण है कि मेरे को आरसी तुरंत समझ में आया। आज जितने बैंक वाले हैं ना, अगर आपकी टीम है ना, उनको पकड़िए। आज पंकज मिश्रा की बैंक वाले हैं, आप देखो रूबी अचीवर बन गया है, ये बहुत जल्दी स्टार रूबी जाने वाले, सफाया जाएंगे, डायमंड जाएंगे। तो बैंक वाले इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करवाया जाता है इनसे। बाकी डिपार्टमेंट में काम हर जगह है, मैं ये नहीं कहता, बट बाकी जगह सीने डाल के ब्लड निकालते हैं। बट बैंक क्या कर दी थी कि सीरेज डाल के, बैंक सीरेज से ब्लड नहीं निकालती थी, वो हड्डी में घुसेड़ के फॉस्फोरस खींच लेती थी। हर दिन की कहानी, इतना मेहनत हम लोग करते थे। और सैलरी कितनी थी, 15-16 हजार 12 साल लग गए। इतना पढ़ाई की, इतना मेहनत की। और एक लड़का सुजीत कुमार सिंह, उनकी मीटिंग में मैं गया, उन्होंने बताया कि 36 महीने में 3 साल बाद मेरी 1 महीने की इनकम 1,25,000। भाई साहब फ्यूज उड़ गया था मेरा। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब हमने विश्वास किया, चेक किया, तो एक बात समझ में आ गई कि ताकत सुजीत कुमार सिंह में नहीं है, ताकत डी कुमार में नहीं है, ताकत आप में नहीं है। ताकत अगर किसी चीज में है, उसका नाम है आरसीएम। जोरदार क्लैपिंग। आज मैं अपना इनकम दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि बात प्रूफ के साथ होनी चाहिए। बात करने वाले बहुत है आरसीएम में, दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं हमेशा दिखाता हूं। क्यों दिखाता हूं, कारण क्या है, कारण क्या है, भरोसा हो आप, ट्रस्ट हो आप, क्योंकि सारा खेल भरोसे का है। जब तक आपके अंदर भरोसा नहीं होगा ना, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में काम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रिजल्ट नहीं है। और रिजल्ट नहीं है क्यों, भरोसा नहीं। बहुत लोगों को सिस्टम पे तो भरोसा है, खुद पे भरोसा नहीं। तो मैं बात कर रहा था, मैं दिखाता हूं, मैं बात कर रहा था दोस्तों, जब सुजीत कुमार सिंह से मिला, उनकी इनकम को देखा, एक बात मेरे को समझ में आ गई कि सुजीत कुमार सिंह ना तो मेरे से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, ना मेरे से ज्यादा तेज बोल सकते हैं, ना मेरे से ज्यादा तेज पढ़ सकते हैं, ना मेरे से ज्यादा तेज दिमाग है, ना मेरे से ज्यादा तेज कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। मैं उनके सामने बोलता हूँ ये, और वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं जरूरत क्या है। इसकी जरूरत क्या है यार, आप हो ना मैं डाउनलाइन में, क्या फर्क पड़ता है। यही तो कमाल नेटवर्क मार्केटिंग का। पढ़े लिखे नहीं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपके नीचे आ जाएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो। कुछ लोग परेशान रहते हैं, मैं तो अनपढ़, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो कमजोर दिमाग हो। अरे बहुत सारे मजबूत दिमाग वाले यार ऑटो चला रहे, ठेला चला रहे, क्यों टेंशन लेते हो। सब आएंगे एक दिन, जाएंगे क्या बच के, कोई रास्ता है क्या, कोई रास्ता नहीं है भाई। मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी, मैंने मास्टर डिग्री लिया सोशियोलॉजी से, पूरे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉप किया, ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। उसके बाद 12 साल सुबह से गधे की जैसे काम किया, और उसी समय मेरे को मिला आरसीएम, सुजीत कुमार सिंह जी से मुलाकात। एक बात मेरे को समझ में आ गई कि ताकत आरसीएम में है, ताकत आरसीएम के प्रोडक्ट में है, ताकत आरसीएम के प्लान में है। इसके प्लान को देखा, उस समय मैं कंपनी नहीं गया था, 2 साल में कंपनी नहीं गया। सुजीत कुमार सिंह जी बार बार बोलते थे सर एक बार कंपनी देख लो, मैं कहा आपको मैंने देख लिया ना, भरोसा
एक बार होता है, और एक बार भरोसा हो जाता है ना तो फिर डाउट्स की कोई जगह ही नहीं। मैंने काम करना शुरू किया, शुरुआत मैंने पार्ट टाइम की, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, कभी मैं रुका नहीं, नॉट ए सिंगल डे। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया करें कि ना करें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, 17 साल का अनुभव बता रहा हूं, 18वां साल कंप्लीट हो जाएगा 26 जुलाई को, 18 साल से मैं आरसीएम में, और 18 साल का मेरा अनुभव ये कहता है कि 90% आरसीएम बिजनेस में सालों गुजार देते हैं लोग सिर्फ इस चीज में कि करूं कि ना करूं। वो अपने आप से लड़ते रहते हैं, वो संघर्ष करते हैं, और ये होती है, नेचुरल चीज है, ये कोई अनकॉमन बातें नहीं है। सुरेंद्र भसी के अंदर भी चला होगा, मुकेश कुठारी जी के अंदर भी चला होगा, सुजीत कुमार सिंह जी के अंदर भी चला होगा, और लाखों करोड़ों लोग छोड़ दिए उनके अंदर भी चला हो। बस हमें यही चीज सीखना है, यही चीज सीखना है कि जिस दिन ये अंदर चलने लग गया ना, कि जब सुजीत कुमार सिंह कर सकते हैं, डी कुमार कर सकते हैं, पंकज मिश्रा कर सकते हैं, कल्याणी मिश्रा कर सकते हैं, पूजा मौर्या कर सकते हैं, इतनी सारी बहनें, इतने सारे भाई कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं। बीसी जी कहते हैं अपने गाल पे थप्पड़ मारो, लेकिन हम अपने गाल पे थप्पड़ ही नहीं मारते। हमारे दिमाग में तो बस एक ही बात चलती है, नहीं होगा, बड़ा मुश्किल, रोते रहते। अरे क्यों रोते हो यार, पैदा हुए थे रोते हुए, आरसीएम कर रहे हो रोते हुए, मर जाओगे रोते हुए। अरे मुस्कुरा मुस्कुरा के करो, एक्साइटेड रहो, हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी एक्साइटेड, हमेशा एक्साइटेड रहो। क्यों? क्योंकि आने वाला है करोड़ों की इनकम, लाखों की इनकम नहीं, ये जो नया प्लान आया ना, बाढ़ ला देगा पूरे इंडिया में, वो जलजला लेके आएगा ना, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं किए, आप सोच ही नहीं सकते, आपकी सोच वहां तक जा ही नहीं सकती। लेकिन मैं जब से प्लान आया हूं, क्या मैं बताऊं, सुपर एक्साइटेड क्योंकि टीसी बाबा अपना पिटारा खोल गया, अब जिसमें जितना ताकत होगा वो निकाल लेगा, कमजोर रोता रहेगा और मजबूत पिटारा ही फाड़ देगा, पूरा का पूरा तोड़ के निकाल लेगा बात को समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कमजोर है, बस कहते हैं कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आया नहीं। आज से 17 साल पहले, 18 साल पहले मैंने शुरू किया, 6वें महीने मेरी रॉयल्टी थी, जनवरी 2005 का जो मेरा चेक था कंपनी में, पता लगा लो 22,000 की चेक थी मेरी, पार्ट टाइम नौकरी करते हुए 10 से 5 गधे जैसे काम करने के बाद लोग फुल टाइम करते हैं नहीं कर पाते। मैं क्या बता रहा हूं, मेरे कोई तुरंग खा नहीं, मेरे कोई तिस्मार खा नहीं भाई, मैं जब कूद गया ना, जब लोग कहता था कि नहीं कर पाओगे, जब कोई कहता था कि यार 6 महीने में नशा उतर जाएगा, मेरे ब्रांच के लोग, मेरा मैनेजर कहता था कि अरे धर्मेंद्र ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, टोपी बनाने का धंधा है, देखना 6 महीने में तेरा नशा उतर जाएगा, और मैं मुस्कुराता था, मैं बोलता नहीं था, मैं कहता था बेटा मैं तेरे को करके दिखाऊंगा, तू ब्रांच मैनेजर है ना, तू समझता है कि बहुत प्रकांड विद्वान है, तेरे जैसे ब्रांच मैनेजर को मैं जेब में लेके घूमता हूँ कभी भी मैंने बैंक के मैनेजर को मैनेजर माना ही नहीं, मुझे लगता था कि यार गलती से मैनेजर हो गया, समझदारी कम हुआ करती थी, और ज्यादातर ऐसे ही ना समझ लोग गलत जगह बैठे हुए। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, बचपन से एक अच्छी आदत थी, सुनते नहीं थे किसी का, बाबूजी का ही सुनते थे, बाबूजी बोलते थे बेटा लेफ्ट जाओ, तो मैं राइट चलता था, क्यों राइट चलता था, लेफ्ट जाने की इच्छा होती थी, लेकिन बाबूजी ने कह दिया है कि लेफ्ट जाना है, नहीं जाएंगे लेफ्ट, इधर जाएंगे, बाबूजी बहुत गुस्सा होते थे, कहते थे दिमाग को उल्टा है, और यहाँ उल्टी खोपड़ी वाले लोग ही चलते हैं आरसी में, सीधी खोपड़ी वाले बिल्कुल नहीं काम करते। अरे दुनिया कहती है नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, पड़ोसी कहता है नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, घर वाले कहते हैं नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, उल्टी खोपड़ी चलाओ, दिमाग में बस एक ही चीज चलाओ कि मैं करके दिखाया, अगर नहीं किया ना तो मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद बैठ जाएगा, और जिस दिन इस तरह से सोचने लग गए ना, पानी आग लगा दोगे, पानी में आग लगा दोगे, पेट्रोल की जरूरत नहीं आग लगाने की। लेकिन अफसोस बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, 4 आदमी बोल देता है ना नहीं कर पाओगे, आगे घर बड़ा मुश्किल है, करेगी ना बड़ा मुश्किल। देखो भाई मुझे पता है, यहाँ पे जितनी भी मेरी बहना है, मुझे पता है आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आप जरा सोचिए मेरे चैलेंजेस बड़े होंगे,
एक तरफ यूनियन बैंक की नौकरी, नौकरी में नहीं छोड़ सकता था, मुझे पता था कि ऑक्सीजन है ये, अगर ये सिलेंडर कट गया ना तो बेमौत मारे जाएंगे। कोरोना में बहुत लोग बेचारे इसलिए मर गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन मिलता तो आज जिंदा होते वो, तो वो ऑक्सीजन था मेरे लिए, मैं नहीं छोड़ सकता था नौकरी। और इतना हार्ड जॉब था ना, इतना हार्ड जॉब कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, मतलब दहिने बाएं करना तो छोड़ दीजिए, सोच नहीं सकते, तलवार की धार पे हम लोग जॉब किया करते थे। अगर 10,000 पे एक जीरो गलती से पड़ गया तो सीधे लाख हो जाएगा, इतना हाई कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ता था। और उसके बाद मैंने आरसीएम किया, रात 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आया, कभी नहीं घर आया, नेवर। और 12 बजे रात में भी क्यों आते थे पता है, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई मिलता ही नहीं। मैं सोचा करता था भगवान रात क्यों बनाया, काश दिन होता तो मैं पूरी रात काम कर। और इस जुनून के साथ मैंने 2 साल काम किए पार्ट टाइम, 77,000 की इनकम पहुंच गई, 77,000, बैंक से 16,000, 15,000 से 16,000 2 साल में, और आरसीए पार्ट टाइम 77,000। लोग कहते थे कि आरसीए में पैसा नहीं आता, अरे पैसा तो आता है यार, आपके अंदर लेने की भूख कितनी है, आपके अंदर पागलपन कितनी है, आपके अंदर तड़प कितनी है। देखो मैं नोट गिना करता था, नोट की बहुत अच्छी समझ है मुझे, मेरे से अच्छी समझ किसी के पास हो ही नहीं सकती, बुरा मत मानना। रोज नोट गिनते थे, कमर दुख जाती थी नोट गिनते गिनते। आप सोचो भगवान मेरे को क्यों गिनवाया, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे को इसलिए 12 साल नोट गिनवाया कि बेटा गिन ले, जितना गिन सकता है गिन ले, सब तेरा होने वाला है जय आरसीएम। और टीसी बाबा ने प्लान दिला दिया, देखो सब संजोग बैठ रहा है सब, लेकिन अचानक से नहीं, 17 साल लगातार लगे हुए हैं हम। आज कई लोग मिलते करते यार 17 साल में आपकी 5-6 लाख रुपए इनकम है, मैं बोलता हूँ हाँ, बैंक में होते तो कितना होता। चुप हो जाता है सामने वाला, लोगों को लगता है ना कि लूटने का तरीका है, बस लूट के सारा खजाना लूट लो, सारा मेरा हो जाए। अरे 17 साल से आरसीएम कर रहे हैं भाई, 6 लाख आया है नो प्रॉब्लम, ये आने वाले दिनों में 10 लाख होगा, 12 लाख होगा, 15 होगा, समय लगेगा। बैंक में 60 साल के होते रिटायर हो जाते, कितना मिलता है 61 साल में, थोड़ा आप लोग सहयोग करिए मेरा। मैं अकेले बोले जा रहा हूँ। यस सर, यस सर। हाँ कल्याणी मिश्रा जी थोड़ा आप बताइए। जी साधना दीदी आप बताइए कितना होता है 61 साल की सैलरी। जब मैं 61 साल का हो जाता तो बैंक मेरे को कितना सैलरी देती, थोड़ा सा आप बताइए। आप गवर्नमेंट जॉब में है आपके सर, 2 से 2.5 लाख शायद। नहीं 60 साल के होते तब ना, 61वां साल में कितना मिल, 61वां साल में सर पेंशन मिलती शायद, चल रहा था रिटायरमेंट और पेंशन। पेंशन ही और टेंशन जी सर, पेंशन हो गया सर, अब पेंशन बंद हो गया। 61 साल में आंखों की रोशनी चली जाती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, याददाश्त चली जाती है, रीढ़ की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। अब 61 साल के आदमी कहाँ भटकेगा, कहाँ जॉब ढूंढेगा, आप बताइए। कल्याणी दीदी बहुत खुश हो रही है, ये अच्छा हुआ आपकी जॉब छोड़ दी है। सोचिए जरा 62वां साल में क्या होता, 63वां साल में क्या होता, 70वां साल में क्या होता। एक आदमी को बताया, उसने कहा कि यार बता तो ठीक रहे हो लेकिन यार मैं 70 साल बचूंगा। मैंने कहा बच गए तब क्या होगा। जहर खाओगे मरने के लिए। क्या करोगे, मरना तो कोई चाहता नहीं है भाई। अरे पॉजिटिव सोचो ना यार, 70 साल के लोग है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई आए नहीं। लोग इतने निगेटिव सोचते है ना, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ यार, ये पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते। आप बताइए, मेरे घर में मेरे बाबूजी 86 साल के एक्सपायर किए, कास्ट डिस्चार्ज पहले आ गया होता उनको अगर देते तो आज वो जिंदा होते। समय से पहले क्यों चले गए, क्योंकि उस जमाने में न्यूट्रिशन नहीं था, खान पान में दुनिया भर की सुधियां हैं मार्केट में, जो भी हो बाबूजी के जमाने में नहीं था, मेरे जमाने में तो, तो हम तो 100 साल पहले सोचते ही नहीं है,
100 से तो पूरा करेंगे ही करेंगे, शतक तो लगाएंगे ही लगाएंगे। 110 साल, 110 साल। क्या बात है दीदी, बहुत ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद देते रहो, मेरी आयु बढ़ती जाए। क्योंकि देखिए असली मजा आएगा क्राउन पे, स्टार क्राउन पे, जब महीने की 2-2 करोड़ इनकम आएगी। काम कुछ नहीं है, पैसा दुनिया भर का, तो क्या कोई मरना चाहेगा यार, सोचो जरा सा। 2-2 करोड़ महीने का इनकम, करना क्या है, खाली खर्च करना है, काम एक ही है। काम क्या है सर, पैसा आएगा तो आयु और बढ़ जाएगी, आज मौत हो जा रही है टेंशन में। देखिए देखिए मैं अपना इनकम दिखा रहा हूँ, ये लेजर है, एक मिनट, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ सर, ठीक है। हाँ कितना दिखा है? 4,96,607। देखिए इधर डेट भी लिखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा, 5/5/2023। अकाउंट नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने भी लोग हैं, और बैंक में जाके पता करिए कि ये पैसा ट्रांसफर हुआ है कि तुम्हारे ऐसे ही एडिट करके दिखा रहा है। ये एक आईडी का है, दूसरा आईडी का मैं नहीं दिखाऊंगा, एक ही काफी है आपके लिए। अरे भाई ये तो अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं आसिम चल ही रहा है क्या, मैं सोचता हूँ बेटा नहीं चल रहा है तो इतना आ रहा है, अब चलेगा तो क्या आएगा। वंडर ला दो, वंडर, बात समझ में आ रही है? देखिए मेरे पास फुर्सत नहीं होता है कि मैं ये सोचूं कि मैं 70 साल का होऊंगा कि नहीं होऊंगा, 100 साल का होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बहुत लोग इतना खाली है ना, इतना खाली है कि उसी टेंशन में मरे जा रहे हैं कि पता नहीं है 50 साल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। अरे क्यों नहीं जिएंगे यार, जब हमारे बाबूजी 86 साल के हैं तो हमारे सामने तो एक लाइन खींच दी है ना, हमारे दादाजी 70 साल में एक्सपायर कर गए, तो हमारे तो ट्रेंड बढ़िया चल रहा है। बेटा तो आगे जा रहा है, पीछे तो जा नहीं रहा है, तो भाई हम तो 100 को पूरा करेंगे करेंगे। कल्याण जी सही बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सर, 100 से पार करना है। दादाजी हमारे 70 साल में गए, बाबू जी हमारे 86 साल में गए, तो हम तो 70 मारेंगे उस हिसाब से। तो जरा सोचिए कि बैंक में हम 61 साल में सैलरी क्या होती, 63 साल में क्या होती, जब इंसान लाचार हो जाता है, जब इंसान काम करने लायक नहीं रह जाता है। हमारे बाबू इतने लाचार हो गए थे, उनका पूरा मेमोरी गायब हो गया था, सारे नस सड़ गए थे दिमाग के, इतने लाचार हो गए थे कि मैं क्या बताऊं। और मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, और इसीलिए मैं और पागल हो गया आसीम कर रहा हूं कि उस समय जब हम 70 साल के होंगे, और जब हम 80 साल के होंगे, और जब 90 साल के होंगे, उस समय हमारे बच्चे हमारा साथ छोड़ चुके होंगे, हमारी बिटिया अपना ससुराल चली जाएगी, घर बसा लेगी, बेटा भी पता नहीं कहाँ होगा, भगवान जाने हमारे पास होगा क्या उस समय। एक सोचिए और अमीर बनिए किताब पढ़ा मैंने, नेपोलियन ही, अमेरिका में एक शोध हुआ, रिसर्च किया गया, 80 साल के ऊपर के जितने भी लोग थे उन सारे लोगों से एक सवाल पूछा गया कि क्योंकि 80 साल से ऊपर के लोगों का पांव कब्र में चला जाता है, ज्यादातर मरने के बारे में बात करेंगे हमेशा सोचेंगे। तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर आपको जीवन दोबारा मिल जाए, मौका दोबारा मिल जाए, फिर से आप जवान हो जाए, फिर से आप यंग हो जाए, फिर से आंखों की रोशनी आ जाए, फिर से आपकी मेमोरी आ जाए, दोबारा से आपको ये जीवन मौका दे दे, कौन सा अधूरा काम करना चाहेंगे जो आप इस जन्म में नहीं कर पाए। ध्यान से सुनिएगा, गजब की चीज मैं बता रहा हूं। अमेरिका में शोध हुआ, अमेरिका वाले रिसर्च बहुत करते हैं, इसीलिए अमेरिका बहुत आगे है, हमारे इंडिया वाले रिसर्च ही नहीं करते। एक दुकान में बैठ जाएंगे खोल के, शटर ऊपर शटर नीचे, किराया घर से दे रहे हैं, लॉस हो रहा है हर महीने, ब्याज दे रहे हैं, बिक्री पट्टा कुछ नहीं है, लेकिन दहीने बाएं नहीं, आरसीएम नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम आंख पर पट्टी मारे हुए। शोध नहीं करते हिंदुस्तान के, और जीवन में हमेशा शोध करना चाहिए, रिसर्च करेंगे बहुत आगे चले जाएंगे। अमेरिका इसलिए आगे क्योंकि रिसर्च बहुत करता है। तो शोध क्या हुआ, 80 साल से ऊपर के लोगों से सवाल पूछा गया कि अगर आपको जीवन दोबारा मिल जाए तो कौन सा अधूरा काम करना चाहेंगे जो आप इस जन्म में नहीं कर पाए। तो उसमें से जितने भी लोगों ने उसका जवाब दिया, उसमें से 4 बातें कॉमन थी,
ध्यान से सुनिए, चार पॉइंट जितने भी लोग जवाब दिए उसमें चार जो बात थी वो सबकी उसमें कॉमन थी, वो चार बातें कौन सी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो चीजें आप जान जाएंगे तो मैं गारंटी बताता हूं मरना पसंद करेंगे आरसी में छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। कौन सी वो चार बातें थी? पहला पॉइंट, जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको जीवन दोबारा मिल जाए, मौका दोबारा मिल जाए, तो कौन सा अधूरा काम करना चाहेंगे जो आप इस जन्म में नहीं कर पाए, तो उसमें पहला पॉइंट जो था, जो कॉमन था चार बातों में, वो पहला बात था कि अगर मुझे दोबारा जीवन मिल जाए तो मैं धन के लिए काम करूं। मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैंने धन दौलत के लिए काम नहीं किया, अमीरी के लिए काम नहीं किया। आज मैं बहुत अकेला हूं, आज मेरे बच्चे मेरे को छोड़ के जा चुके, आज मैं गुमनामी के अंधेरे में जी रहा हूं, अंधकार में जी रहा हूं, मैं अपना क्रियाक्रम बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूं। अगर आज मेरे पास धन होता, दौलत होता, तो आज मैं चार पांच इंप्लॉय कर्मचारी रखता और वो मेरी देखभाल करते, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर मेरे को दोबारा मौका मिल जाए तो मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना चाहूं। मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। काश मेरे को मौका मिल जाए तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि वो मुझे याद रखे। तीसरा पॉइंट कि मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए किया, सिर्फ अपने बारे में सोचा। अगर हमें दोबारा मौका मिल जाए तो यह आज गुमनामी के अंधेरे में जो मैं जी रहा हूं ये जीवन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मैं समाज के लिए कुछ काम करता। और चौथा पॉइंट कि अगर मेरे को दोबारा मौका मिल जाए तो मैं देश के लिए काम करता, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाया। देखिए दोस्तों, ये चार के चार पॉइंट सिर्फ एक काम करिए जिसका नाम है आरसीएम, चारों पॉइंट सॉल्व हो जाएंगे। आप बताइए मेरी सबसे बड़ी चेक कब बनेगी? कल्याणी दीदी बताइए, ये जो 5 लाख 6 लाख देख रहे हो ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं। अभी मैं 48 का हूँ, 80 साल में अभी 32 साल बचे हुए हैं। तो साल तो मेरी सबसे बड़ी दीदी बता दो थोड़ा। कल्याणी दीदी जी सर, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, ओ नेट डिस्टर्ब हो रहा है, एक मिनट। हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ अभी आ रही है सर। हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 80 साल का जब मैं हो जाऊंगा तो मेरी चेक कितनी बनेगी उस समय? कम से कम 1 करोड़ बनेगी सर। तो बताइए वो चार पॉइंट वाला पहला पॉइंट मेरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल। दूसरा पॉइंट क्या था? अगली पीढ़ी के लिए काम करना। हाँ अब बताइए, आज मेरा एक लौता बेटा है, अभी NLU से ला कर रहा है, हालांकि उसका सपना बहुत बड़ा है मेरे से, मैं अगर बोलूं ना 100 गुना तो शायद छोटा होगा। मैंने उसे बोला, वो पढ़ाई कर रहा है, पहले IIT की तैयारी कर रहा था, उसका एक दोस्त था उसके साथ पढ़ता था, उसके माता पिता बहुत टॉर्चर करते थे, बार बार टीचर को फोन करके पूछते थे, लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए कभी टॉर्चर नहीं किया, कभी पूछा नहीं। उस लड़के ने IIT का मेंस एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया। उसके स्कूल से फोन आया मेरे पास, इमीडिएट आइए। मैं गया वहां, बोला गया कि आप अपने बच्चे पर प्रेशर बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं बनाता, ऐसी ऐसी बात है, एक बच्चा एक्सपायर कर गया। मैं घर आया और अपने बेटे को बुलाया, मैं भी बड़ा सीरियस हो गया। मैंने कहा, वो भी IIT का एग्जाम दे रहा था, मैंने कहा बेटा तू टेंशन मत लेना। कहा नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा देख तेरा दोस्त एक्सपायर कर गया है, सुसाइड कर लिया है, मैंने कभी तेरे को बोला है तेरे को IIT करना है? तो नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं, आप टेंशन मत। मैंने कहा यार टेंशन मत ले, मैं जो कर रहा हूं ना
ये सब तेरा होने वाला है। फिर तू पढ़ाई करना है कर, नहीं करना है मत कर, मेरे लिए सब कुछ तू ही है भाई, क्या करेंगे हम धन दौलत कमाएंगे, आगे की पीढ़ी तो होनी चाहिए ना पढ़ाने वाला। तो वो मेरे को गले लगाया, बोला पापा आप जैसा सोच रहे हो मैं वैसा नहीं, आपका बेटा हूं। वो कमजोर था जो सुसाइड कर लिया। उसने कहा आप जो कर रहे हैं ना वो करो, मैं आऊंगा आरसीएम में, लेकिन तब आऊंगा जब पहले मैं अपना नाम बनाऊंगा, दुनिया ये ना कहे कि बाप का किया हुआ बेटा देखो खाने आ गया। ये पापा नहीं दूंगा अपने ऊपर, ये पापा नहीं लगने दूंगा कि बाप का था देखो माल खाने आ गया बेटा, मैं आऊंगा आरसीएम में, दुनिया कहेगी अरे देख ये जज है सुप्रीम कोर्ट का, ये देख कलेक्टर है और ये आरसीएम करने आया। तो बहुत अलग सोच है उसकी। अभी मैं ले गया था नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में और रवि शर्मा जी को उससे बोला कि बहुत जल्द मैं आपके लेवल पे आऊंगा। बहुत साहसी है, हिम्मती है बहुत। उसने आईआईटी को छोड़ करके और मेरे से आके बोला पापा आईआईटी में मेरा मजा नहीं आता। मैंने कहा क्या करेगा वो, फिर जी का 4 साल कोचिंग करने के बाद, मेंस क्वालिफाई करने के बाद उसने आके बोला कि मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। मैंने क्या बनना चाहता, मैं लॉ करना चाहता हूँ। मैंने कहा चल घुस जा घुस जा। वो उसने क्लैट की तैयारी किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, दिल्ली में है अभी पढ़ाई कर रहा है। व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, बच्चे को वो करने दो जो करना चाहता है। अरे हम आरसीएम कर रहे हैं ना, क्या टेंशन है, कोई टेंशन है। बच्चे काम प्लेजर से करे, प्रेशर से ना करे, बस प्लेजर से करे। आज ज्यादातर जिसके माँ बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, 12th कर रहे हैं ना, उनके माता पिता सबसे ज्यादा परेशान किसके लिए है, अपने बच्चे परेशान है। अक्सर मैं देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अपने बच्चे की बात करते हैं, उनके भविष्य की बात करते हैं। कई लोग तो इतना प्रेशर बना के रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि बेटा मैं तो कलेक्टर नहीं बन पाया लेकिन तेरे को बनना है, तेरे सपने तेरे को पूरा करना है। बच्चे को प्रेशर बना करके इतना प्रेशर बना देते हैं कि बच्चा हैंग हो जाता है, लटक जाता है। लेकिन आज हमें टेंशन बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि मैं अपनी पीढ़ी के लिए काम कर रहा हूं। मैं ऐसा कुआं खोद रहा हूं, एक बुक्स में मैंने पढ़ा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा कुआं खोदना होता है कि एक बार कुआं खोद के आप लिंटर कर दिए, बांध दिए उसे, तो फिर आप पानी नहीं पियोगे, आपके बच्चे नहीं पियेंगे, बच्चे के बच्चे पियेंगे, बच्चे के बच्चे के बच्चे पियेंगे, कई पीढ़ियां पीते पीते दुनिया से चली जाएगी, पानी खत्म नहीं होगा। ऐसा कुआं हम लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसमें राइटर लिखता है कि जब शुरू में कुआं खोदोगे, फावड़ा चलाओगे तो पानी की एक बूंद नसीब नहीं होगी। यहां लोग 4 फावड़ा मारते हैं और पानी ढूंढते हैं, अरे पानी तो है ही नहीं। 10 फावड़ा मारते हैं और बोलते हैं पानी चाहिए। अरे इतने कमजोर क्यों हो मेरे भाई, इतने कमजोर क्यों हो मेरी बहना, मारो फावड़ा, इतना मारो इतना मारो इतना मारो, पानी की बिल्कुल दरकार नहीं होनी चाहिए। मत मिले 5 साल पानी, लेकिन कुआं तैयार करेंगे, अगले 5 साल लिंटर करेंगे, और एक बार कुआं बन गया तो फिर आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां पीती रहेगी, कुआं खत्म नहीं होगा। ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये दाल रोटी चलाने का व्यवसाय नहीं है। 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, सब्जी बेच लो, ठेला लगा लो, छोटा मोटा काम कर लो, आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं महाराज, 60 साल तक आदमी काम करता है, नौकरी करता है, रोज ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, पता नहीं कितना जूता घी देता है, पता नहीं कितने कपड़े फाड़ देते हैं ऑफिस जा जाके, लेकिन 60 साल के बाद कहां होते हैं, कहां होते हैं वो। और यहां 5 साल में, 5 साल तो छोड़ दीजिए, 5 महीना 5 दिन में हौसला पस्त हो जाता है, 5 दिन में उनके अंदर निगेटिविटी आ जाती है। हम क्या कर रहे हैं हमें यही नहीं पता। 99% लोगों को यह नहीं पता है कि हम कुआं खोद रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुआं खोदने वाला ये काम है। इस चीज को समझ जाइए, अपने दिल दिमाग में उतार दीजिए। आप 2-4-10 दिन के लिए नहीं आए, 2-4-10 महीने के लिए नहीं आए, आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा जीगरा चाहिए, इसके लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है, लगातार मेहनत करने की जरूरत है। ये
दो चार दस दिन होने वाला कार्य नहीं है, दो चार दस महीने में होने वाला कार्य नहीं है। अरे 60 साल तक काम करने के बाद 61वां साल में लोग कहां खड़े हो जाते हैं, और हम 70वां साल और 80वां साल की बात कर रहे हैं। तो जब तक आप दूर तक नहीं देखेंगे ना, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समाज के लिए। बैंक की नौकरी करते थे, मेरे घर में दाल रोटी चलता था, मेरे बीवी बच्चों का पेट पल रहा था, मेरा घर चल रहा था, काम वहां भी कर रहे थे, काम यहां भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे करने से आज हमारे समाज में, आज हमारे अगल बगल वाराणसी सराउंडिंग में 50 टेक्निकल है, 50 टेक्निकल है, कई रूबी है, इमराल्ड है, स्टार इमराल्ड है। काम तो हम अपने लिए की, हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया भाई, लेकिन काम दूसरे को हो गया। सिस्टम ऐसा है, मजबूरी है। हाँ, दूसरों को सफल बना के ही सफल हो सकते हैं, आपके पास कोई च्वाइस ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी है आपको दूसरों के लिए काम करना। आज बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं जानता कि सबकी जिंदगी बदलेगी, मेरी बात सब पर असर करेगा, लेकिन दो चार लोगों पे भी कर गया, वो जीवन में स्टार हुई, सफायर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बार नाम लेंगे कि डी कुमार की एक मीटिंग ने, एक शब्द ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। आज हमारे बीच में बीसी छाबड़ा जी नहीं है, लेकिन बीसी सर का नाम मैंने देखा, मैं उनका नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। वो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। उनकी बातें सुन सुन के, उनकी टेप सुन सुन के, लक्ष्य पर निगाहें अभी तक 20,000 बार सुन चुका हूं। 20,000 बार आप विश्वास ही नहीं करोगे। आज भी मैं दो दो घंटे सुनता रहता हूँ कान में लगा के। हाँ, बीसी जी को मैं कम सुनता हूँ, लेकिन उनकी टेप को ज्यादा सुनता हूँ। मैं क्षमा याचना चाहता हूँ बीसी सर से। वो बीसी जी की वो टेप, लक्ष्य पर निगाहें, वो जो शब्द है, क्या मैं बताऊं, ऐसा लगता है ना कि जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, लगता है दीवार तोड़ दे, पहाड़ गिरा दे, पता नहीं क्या कर डाले, इतनी ताकत है उस टेप में। लेकिन आप सुनते नहीं हो, आप सुनोगे नहीं, आप तो प्रकांड विद्वान हो, आपको तो सब आता है। कई लोग कहते हैं सर अब मैं टेप नहीं सुनता, सर कितना सुने सर, बोर हो जाते हैं सर। अरे जब से पैदा हुए तब से खा रहे हो यार, तीन तीन टाइम खाते हो भाई, क्यों नहीं बोर होते, वही रोटी, वही चावल, वही दाल, वही सब कुछ, वही है नमक, वही हल्दी, वही रोज खा रहे, रोज खा रहे। छोड़ दो भाई 10 दिन के लिए, 10 दिन ज्यादा नहीं, बेड पे आ जाएंगे, बिस्तर पे गिर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। वैसे इसको भी भूरा भोजन चाहिए, खुराक चाहिए, यहाँ 2 घंटा डाल लो इसमें, खतरनाक तरीके से डालो, एक ही टेप को सुनो बार बार। 1,000 किताब पढ़ पढ़ के लोग ग्रेजुएशन कर गए, मास्टर डिग्री कर गए, 10,000 की नौकरी मिल रही है। और मैं बोलता हूँ एक किताब को 100 बार पढ़ डालिए, एक टेप को 1,000 बार सुन लीजिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, महाज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे महाज्ञानी सड़क पे घूम रहे हैं, आरसी में भी वही महाज्ञानी आ जाते, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं। महाज्ञानी के लिए यहाँ कोई काम नहीं है, मत बनिए महाज्ञानी, जो कहा जा रहा है वो फॉलो कीजिए, सुनिए भयंकर टेप, सुनिए 2-2 घंटा सतीश पंडित जी की टेप सुनिए, योर 10% सीडी, सीडी हम लोग पहले खरीदते थे, सीडी, सीडी प्लेयर होता था जी, आप तो सुनी होगी सीडी जी सर, सुने आजकल के लड़कों को बताना पड़ता है सीडी क्या होता है। हम सीडी सुन के ही आज के लिए सर। उस समय मैं 10-10 सीडी खरीदता था एक साथ, क्योंकि पिकअप सेंटर पे मिलता ही नहीं, खरीद लिए और क्या करते थे, कार में लगा के सुनते थे। कब तक सुनते थे, जब तक घिस न जाए। अब घिस गई, उसकी आवाज फंसने लगे, फेंक देते थे, फिर दूसरा निकाल देते, कौन सा, योर 10% बज रहा है घिस गया, फिर फेंक दिए, फिर तीसरा निकाले, कौन सा, योर 10% 10-10 घंटे में लगातार टेप सुनाऊ, 10-10 घंटे। अरे पहले उतर कुछ नहीं करता, जो आज से 10 साल पहले बाल छिलवा के दिल्ली में पढ़ रहा है ना, चना खाखा के कलेक्टर बनेगा, आज भी जो जाके तैयारी करेगा कलेक्टर बनेगा, 10 साल बाद भी जो तैयारी करेगा कलेक्टर बनेगा। आरसीएम में किस्मत से कुछ नहीं मिलता, यहां लोग दूसरे को ढूंढ रहे हैं अंधा बन के, कोई आंख वाला मिल जाए पार लगा दे। आंख वाले मिलते तो हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यार ये अंधा है, तो भी अंधा बन जाते। कल्याणी दीदी आवाज आ रही है मेरी, नहीं जा रही है, आ रही है सर, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी लेकिन अभी आ रही है। हाँ, हमको लग रहा है समझ में बात आ रही है।
एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का इशू चल रहा है, बारह उसमें वीआईपी लोग आते रहते हैं ना, तो वीआईपी आते हैं तो ये नेटवर्क को पता नहीं क्या कर जाते हैं ये लोग पुलिस वाले। तो मैं बात कर रहा था कि अंधा बन के मत काम करिए, मेरी टीम में कौन क्या है कितना करता है मैं देखता ही नहीं हूं, मैं रियल बता रहा हूं, मैं अपना खुद लक्ष्य तय करता हूं और मेरा लक्ष्य यही होता है कि मैं कितना पसीना निकाल रहा हूं शरीर से। जब तक मेरा दो बार सूट नहीं भीगता है ना, जब तक दो बार शरीर से पानी नहीं निकलता है ना पसीना, तब तक मेरे को लगता नहीं है कि आज मैंने आसीन किया। दूसरों के कंधों पे जनाजे निकलते हैं, जिंदगी खुद के दम पे जी जाती है। अरे आज ये अकाउंट में पैसा मेरा आया है, मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, वहां डाउनलाइन का नहीं है। हम डाउनलाइन को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए ये हम थोड़ी डिसाइड करेंगे भाई, हमें चाहिए कि हम डिसाइड करेंगे ना कि दूसरा हमारा डिसाइड करेगा इनकम। प्रॉब्लम क्या है लोगों में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 99% लोग क्यों फेल होते हैं, वो दूसरों के भरोसे करना चाहते हैं, दूसरों के दम पे करना चाहते हैं, दूसरों के कंधों पे बैठ के। एक विक्रम बेताल सीरियल आता था बचपन में, विक्रम बेताल सीरियल देखा है आपने कल्याणी दीदी? देखा है सर। क्या होता था उसमें? बेताल को पकड़ के विक्रम राजा विक्रमादित्य लेके आते थे, फिर बेताल उनको कहानी सुनाता था और पाली शपथ कहता था चुप रहना है, बोलना नहीं है, जैसे बोलोगे बेताल उड़ जाता था, बेताल उड़ जाता था जैसे ही वो बोलते थे। विक्रम अपने कंधों पे बिठा लेता था बेताल को। आपको डाउनलाइन क्या उल्टा लोग करते हैं यहाँ, पता है क्या करते हैं यहाँ, बेताल अपलाइन बन जाता है और डाउनलाइन करता है कि तू विक्रम बन जाओ। अरे डाउनलाइन कमजोर है बेचारा, और उसके कंधे में बेताल बैठ गया, वो भी बैठ जाता है, कहता है तेरी भार में नहीं सहन कर पाऊंगा। वही बेताल सीरियल मेरे को दिखाई देता है आरजीएम में। सही बोले ना, तो विक्रम मत बनिए, बेताल भी मत बनिए। आप ये सोचिए कि इस काम को करने से हमको फायदा होने वाला है, मेरे करने से मेरे अपलाइन के पास जाता है, भगवान करे सबसे ज्यादा पैसा मेरे अपलाइन के पास मेरी वजह से जाए, दिन रात भगवान से ही प्रार्थना। यहाँ तो उल्टा है, मेरा आए लेकिन ऊपर वाले का ना चले जाए। यहाँ बेताल नीचे भी है बहुत। तो ये मानसिकता हमें त्यागनी पड़ेगी। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, रोज सुबह उठ के परमपिता परमेश्वर को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, आंख बंद करता हूँ और पता है क्या मांगता हूँ, कहता हूँ हे भगवान मेरे अपलाइन आदरणीय सुजीत सर को क्राउन बना दे, क्राउन बना दे, क्राउन बना दे, क्राउन बना दे, क्राउन बना दे। वो क्राउन बन जाएंगे तो हम डायमंड बन जाएंगे, गारंटी है कि हम डायमंड बन जाएंगे। भगवान भी सोचता होगा इस कलयुग में कौन महामानव है यार जो दूसरों के लिए मांग रहा है। आप दूसरों के लिए मांगे तो देखिए, कर भला तो हो भला, ये पुरानी चीजें हैं, नए कलयुग में नहीं चलता। ये कलयुग में तो अपना भला करने के लिए गर्दन पकड़ ले रहे हैं दूसरों का, तो ये व्यापार पूरा का पूरा भलाई पे टिका हुआ है। आप जितना भला करेंगे, जितना भला करेंगे, कौन मेरे लिए क्या करता है उससे माहिर नहीं रहता। हम कितना कर रहे हैं, हम अपनी टीम में कितना काम कर रहे हैं। यहां लोग कह रहे हैं उसका हम बी भी चला, ये भी चला, अरे चलाओ ना यार, भगवान ने आपको मौका दिया है, किस्मत ने आपको चांस दिया है, लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन रहे हैं, बदलिए ना, बी भी चलाइए, बी के बी भी चलाइए, ए भी चलाइए, सबका जो जहां है सबका चलाइए। बड़ा सोच रखिए। बस लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि वो चार पॉइंट जो मैंने बोला है, समाज के लिए, देश के लिए, देश के लिए क्या काम कर रहे हैं। आज सारा प्रोडक्ट हमारा जीएसटी है, सोचिए अगर पूरे इंडिया में सारे के सारे लोग, करोड़ों लोग खरीदारी करते हैं, कितने लोग बाजार से खरीदते हैं, बिल लेते हैं। खुद मैं कभी नहीं बिल लिया, बिल देते भी है तो एक कागज पे, देखिएगा जितना भी बनिया की दुकान होता है ना, छोटे छोटे बनिया की दुकान की बात मैं कर रहा हूँ, कॉपी पे लिखिएगा आपका सारा सामान और उसी पे दाम जोड़ेगा, और दाम में भी ऐसा उर्दू फारसी लिखता है कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे।
और वही पकड़ा देगा रसीद, बोलेगा कि भैया कितना पैसा हुआ, ये बिल है, अब बताइए वो बिल पर जीएसटी पे होता होगा। और लाखों करोड़ों लोग भारत में हर दिन खरीदारी कर रहे हैं, आप सोचिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से खरीदारी करते हैं, अगर भारत में लाखों करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम से खरीदारी करने लग जाए, सारा प्रोडक्ट बिल पेड, टैक्स पेड, जीएसटी पेड होता ही नहीं, मिलता है आप देखिए उसमें लिखा रहता है कितना परसेंट किस प्रोडक्ट पे जीएसटी पे किया गया, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, यहां तक कि कंपनी हमें जो इनकम देती है ना उसमें भी जीएसटी पे करके देती है, हम लोगों को जीएसटी पे कर देती है। तो क्या मैं बताना चाहता हूं कि अगर हर आदमी बीड़ा उठा ले यार हमको खूब मेहनत करनी है डायरेक्ट सेलिंग में, सोचिए जो अरबों रुपए की टैक्स की चोरी हो रही है जिससे आज हमारा देश खोखला हो गया है, आज भारत का प्रधानमंत्री भारत का लाख व्यवस्था कर दे, सोचे कि मैं बदल दूं पूरा का पूरा, लोग उसी को बदल देंगे। इतना सिंडिकेट, इतना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है कि उस सिंडिकेट को कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई तोड़ सकता है तो एक ही तरीका है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस। ये इतना बड़ा काम है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो देश सेवा हम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, आज हजारों लाखों लोगों को हम इस बिजनेस में लाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले दिनों में करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोग, पूरी देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। इतना टैक्स आएगा भारत सरकार के पास, इतना टैक्स आएगा ना, ये हाईवे बनेगा, एक से एक एयरपोर्ट बनेगा, एक से यहाँ पे बिजली के संयंत्र बनेंगे, देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बड़े बड़े हथियार सरकार खरीदेगी, हथियार का कारखाना लगाएगी, रोजगार भी बहुत सारे लोगों को मिलेगा, देश मजबूत होगा। तो ये चार के चार काम कहाँ मिल रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आरसीएम। एक बार ताली बजा दी, उस किताब को पढ़ने के बाद, उस सर्वे को जानने के बाद एक बात मैं समझ गया कि मैं 80 साल का जब होऊंगा ना तो ये जो चारों बातें जो इनकी दिमाग में चल रही है, क्योंकि देखिए जीवन में ना इस चीज को समझिए कि एक 80 साल का व्यक्ति कैसे सोचता है, ये जानने का हमारे पास दो ही तरीका है। एक तरीका है कि हम 80 साल के हो जाएं, और दूसरा तरीका है कि 80 साल का व्यक्ति कैसे सोचता है, अगर आज ही हम जान जाएं और उस चीज को फॉलो करने लग जाएं तो हमें पता चलेगा कि 80 साल का आदमी कैसे सोचता है, और जो गलती उन्होंने किया वो गलती हम नहीं करेंगे, बच जाएंगे। तो बताइए कौन सा तरीका अच्छा है, 80 साल के हो जाएं या 80 साल वाले दिमाग कैसे चलता है वो जान जाए आज ही, बताइए कौन सा तरीका अच्छा है। कल्याणी जी, आप जाके दिमाग क्या चलता है उसको जान के अभी सुधार ले। यस यस यस, यही चीज मैं लोगों को बताना चाहता हूं। अरे 80 साल होने का इंतजार क्यों करते हो, आग लगती है तो हम कुआं खोदते हैं, और जब कुआं खोदते हैं जल के सब कुछ खत्म हो जाता है। 80 साल के हो जाएंगे ना तो बहुत पश्चाताप करेंगे, अफसोस करेंगे, दिमाग में ये बात आएगी काश उस बैंकों वाले की बात मान ली, काश कर लिए होते, काश 4-5 साल पसीना बहा लिए होते, काश, क्योंकि उस समय काश के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। नाउ दिस इज द राइट टाइम, फायर करो फायर, पॉइंट सिस्टम आ गया है, बनाइए पॉइंट। आज मैं हर व्यक्ति से पूछ रहा हूँ कितना पॉइंट, कोई कहता है 1 पॉइंट, कोई कहता है 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, अरे यार आप रॉयल्टी लेवल पे है, सबसे ज्यादा पॉइंट कौन सा लेवल पे है, स्टार प्लेटिनम, मारिए स्टार प्लेटिनम, जो एक बार कर सकता है वो बार बार कर सकता है। सतीश पंडित जी बोलते हैं साइकिल चलाना बहुत मुश्किल काम है, जिसको नहीं आता ना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार साइकिल चलाना सीख गया ना तो फिर पैडल मारिए, 6 में मत बैठिए। अगर आपने एक बार स्टार पिन कर लिया तो स्टार की ताकत लगाइए, अगर ईगल कर लिया तो ईगल के बारे में सोचिए, आप अगर रॉयल्टी कर गए तो रॉयल्टी के बारे में सोचिए, और सोचिए नहीं करिए, शुभ मुहूर्त कभी नहीं आता, हर दिन शुभ मुहूर्त है, और मैं बोलता हूं इससे शुभ मुहूर्त आज का जो शुभ मुहूर्त है, आज हमारे बीच में इतनी सारी बहना बैठी हुई है, इससे बढ़िया शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है। तो आज से शुरू करिए, अभी से शुरू करिए, फोकस करिए, परचेजर बनाइए। आप अब जो प्लान आया है ना, ये 2-4-8 वाला प्लान खत्म। अब लोगों को परचेजिंग करने से क्या क्या फायदे हैं बताइए, नकली प्रोडक्ट से मुक्ति मिलेगी ये बताइए लोगों को, 10-25% काउंटर डिस्काउंट मिलेगा ये बताइए लोगों को, ये बताइए कि अगर लगातार सर सामान खरीद, देखिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन बताते हैं, कंडीशन से लोगों को बहुत घबराहट होती है,
सर याद रखिए, शर्तों पे नौकरी लगती है, शर्तों पे इंसान नौकर बनता है, शर्तों पे मालिक कभी नहीं बन सकता, शर्तों पे आप खरीदारी नहीं करवा सकते। लोग जैसे किसी को बोलेंगे ना कि सर 6 महीना खरीदारी करेंगे तब आपको मिलेगा फ्री, सामने वाले का दिमाग एंटीना सब खड़ा हो जाएगा, कहेगा ओ फंसाने आया है, तो 6 महीना फंस जाएंगे, नहीं करेगा। कैसे बताना है आप सीधे बताइए कि सर स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोडक्ट बताइए, डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर के बीच के लोगों को हटा दिया जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सामान मिलती है, कंपनी से निकलती है, सीधे आपके हाथ में आती है, बीच में कोई बिचौलिया है ही नहीं। बाजार में C&F डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ से निकलती है और वो भगवान जाने इतने हाथों से निकलती है कि वो प्रोडक्ट सुधर ही नहीं जाता और रह ही नहीं सकता, बट यहाँ पे सामान खरीदते ही मैसेज आता है यहाँ पे असली की गारंटी है सर, कोई नकली कर ही नहीं सकता, साबित करके दिखाइए। अब लोगों को ये सारी बातें बताने के बाद जब आप बताएंगे कि सर जैसे ही खरीदारी हर महीने करते जाएंगे और छठवें महीने जैसे ही आप पहुंचेंगे कंपनी अलग से फ्री दे रही है, मार्केटिंग का तरीका यही है, हम उल्टा करते हैं, सबसे पहले सर तो बताना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं टीवी पे प्रचार आता है, अखबारों में प्रचार आता है, फ्री सबसे बड़ा लिखा होता है, इतना बड़ा बड़ा पेपर में फ्री, और एक स्टार कहीं कोने में लगा देगा, इतना छोटा स्टार कि आप लिखेगा ही नहीं, ढूंढेंगे तो यार कुछ ना कुछ झोला तो है, झाला तो है कि फ्री दे कैसे दे रही है, छोटा सा स्टार होता है और उस स्टार नीचे लिखा रहेगा नियम बसरते लागू। हम लोग क्या करते हैं, नियम और शर्तें पहले बताना शुरू करते हैं, इतना बड़ा बता देते हैं नियम और शर्तें, सामने वाला भाग जाता है, कहता है यार 5000 BV हर महीने नहीं करते। अरे क्यों 5000 BV बताते हो भाई, मैं अभी अभी अंबिकापुर में था, एक बंदे ने मेरे से बोला कि यार आसियम का प्लान क्या है, थोड़ा दिखाइए, हमारे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है, कैसे दिखाएंगे, इमरान अचीवर है, हमारे बड़े भाई है, साथ में बोलिया धर्मेंद्र तू कैसे प्लान दिखाता है, मैं कहा देखिए मैं दिखाता हूँ। मैं उनने उनसे पहला सवाल किया सर आपके घर में सामान कितने की खरीदारी होती है, बोला कि आरसी में आता है ये तो पेस्ट बेस्ट आता है साबुन, बोले सर 1500 हो जाता है। मैंने पूछा चावल दाल आटा कहाँ से, घर से आता है कि लेते हैं, तो नहीं सब लेते हैं, मैंने कहा सर 1500 में हो जाता है, बोले नहीं नहीं और ज्यादा आता है, मैंने कहा कितना, बोले 2500। फिर मैंने पूछा कपड़ा साबुन सरफ हल्दी पाउडर चिली पाउडर अंडर गारमेंट्स रेडीमेड गारमेंट्स बच्चों का कपड़ा सब हो जाता है। कितने परिवार है, बोले सर हम लोग 4 भाई है, माताजी है, पत्नी है, सबके बच्चे हैं, सब कंबाइंड फैमिली है। मैंने कहा यार 1500-2500 में हो जाता है। तब उसका दिमाग खुला, तब वो सीरियस हुआ। मैंने पूछा चप्पल भी आता है क्या, मैंने कहा चप्पल भी आता है, और क्या क्या आता है, किचन का आइटम का सारा आता है, बाथरूम का सारा आइटम आता है, कपड़े सारे आते हैं, बच्चे का भी आते हैं, लेडीज का भी आते हैं। मैंने उसको सारा नेट पर खोल के दिखाना शुरू कर दिया पूरा का पूरा अपना साइड पे, मालूम है कितना बताया, बोला सर हमारे यहाँ कम से कम 40,000 की खरीदारी कर देंगे। मैंने कहा बस गुरु आ गए। देखिए हल्के में कोई भी चीज करेंगे तो परिणाम भी हल्के में निकलेगा। अब वो 1500 बोला था, हमें शुरू हो जाता 1500 का प्लान, खत्म, कोई रिजल्ट नहीं आता। अब वो 40,000 बोला ना, मैंने उसका आधा कर दिया, मैंने कहा सर 40,000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया सर, 20,000 पे आओ ना सर, हमारे आरसीए में अगर हर महीने 20,000 की खरीदारी, सिर्फ खरीदारी करोगे सर, छोड़ो सर जोड़ा जोड़ी वाला काम बंद कर दिया कंपनी ने, बोला जोड़ा जोड़ी वाला काम बंद हो गया, मैंने कहा बंद हो गया, जोड़ा जोड़ी वाला काम नहीं, सिर्फ परचेजिंग करने से, सिर्फ दुकान बदलने से कितना फायदा होता है सर, मैंने जब उसको दिखाया पागल हो गया वो आदमी, तुरंत के तुरंत 10,000 रुपया दिया, बोला कि भैया चलिए कहाँ सामान मिलता है, बोला कि आज तो हम फ्री नहीं है, ये लिस्ट बना के दिया, बोला ले गया जी भैया को, मैंने बोला जाइए 5000 BV डन, अभी 10,000 का और सामान खरीदेगा। आप कहते हैं कि सर कोई 5,000 के लिए तैयार नहीं होता, आप 2,000 बताएंगे जो है नहीं, तो 2,000 वाला आदमी कितना दिन टिकेगा, 20,000 से बात करिए ना, घर के सारे सामान बदलवाने की बात करिए ना, तो हम तो खुद ही आसिम को बहुत छोटा बना रखे, क्या बड़ा बताएंगे दुनिया को, गलती अपने से हो रही है। बात समझ में आ रही है, बी सीरियस बी अलर्ट एंड डू हार्ड वर्क। 5 लोगों को मेरे भैया के सामने प्लान दिखाया, 5ों के 5ों ने यस किया, 5ों के 5ों ने कोई 2,000 कोई 4,000 कोई 5,000 तुरंत, मैंने एडवांस, मैंने बोला सर एडवांस कर दो ना सर अभी अभी तुरंत के तुरंत, ऐसे हमारे पास आता है कोई बीच समझा रहा है तुरंत बोलता है सर एडवांस कर दो, हम लोग एडवांस कराते ही नहीं,
मैं फ्लैट देखने आया, बोला कि सर फ्लैट पसंद है, ये भी चाहिए। हाँ सर कोई बात नहीं सर, ये ठीक है, कुछ पेमेंट कर दो। मैंने कहा नहीं इकट्ठे देंगे। बोला सर कुछ तो कर दो, आपके नाम से बुकिंग तो हो जाएगी सर, हम कोई और आ जाएगा, 1 लाख रुपया तुरंत चाहिए, काट दिए। आप लोग भी करते हैं, एडवांस करते हैं। तो देखो व्यवसाय बन के हम लोग व्यवसाय नहीं कर रहे, व्यवसायी बन के हम व्यवसाय नहीं कर रहे, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग कॉमन मैन है। और पहले ही सोच लेते हैं कि पहले वाला प्लान बड़ा बढ़िया था, अब तो 10% बंद हो गया। अरे खरीदार को कहीं कोई पैसा देता है क्या? और देता भी है तो कितना देता है? 5 रुपया कैशबैक, 25 रुपया कैशबैक, 200 रुपया, 150 रुपया कैशबैक। आदमी 20,000 का खरीदारी कर लेता है, पॉइंट बनाता था छोटा छोटा पॉइंट, 1 पॉइंट का 1 रुपया वैल्यू। कहीं सुना कि 1% शेयर दे रही है कोई भी बिग बाजार? कभी सुना कि 5% शेयर दे रही है? लेकिन हमारी कंपनी क्या कर रही है, खरीदारी करने वाले को 10% दे रही थी। और जो बेचारा खरीदारी करवा रहा है, रट के मर रहा है, जिसने अपना केरियर बना रखा है, बाइक में तेल फूंक रहा है, पसीना निकाल रहा है, उसको कितना मिल रहा है? 1.5% 2% मार्जिन। वो भी स्लैब छूट गया तो गया बेचारे का। ऐसा कहीं धंधा होता है क्या? और हम लोगों ने कोर में ये बातें आवाज उठाई, बहुत दिनों से बातें चल रही थी। बाद में TCG को लगा कि नहीं, देखिए TCG तो हमारे महान है, उनको लगता है कि एक आदमी खरीदारी करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा आसान करता है, 10% दे दो। अरे खरीदारी कोई करता नहीं है, करवाया जाता है। मार्केटिंग होती नहीं है, मार्केटिंग कराई जाती है। ये सारी दुनिया जितना बिजनेस देख रहे हैं ना, ये खुद नहीं होता है भाई, कराया जाता है, हमारी जेब से पैसा निकलवाया जाता है। टीवी पे बार बार विज्ञापन दिखा दिखा के वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में जबरदस्ती दे दिया जाता है, हमें पता ही नहीं चलता ये सारी चीज। तो मार्केटिंग का जो तरीका है, समझिए, आज RCM खरीदारी करने वालों से नहीं चल रहा है, RCM हमारे से चल रहा है, आपसे चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो कैरियर बना के काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक मकसद बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया है, उनकी वजह से चल रहा है। और यहाँ उल्टा हो रहा था, 10% खरीदार को ही दे दिया जा रहा है। आज कंपनी ने क्या किया, सारा प्लान वही है, सिर्फ 10% वहां से हटाया है और खरीदार को भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है, 6 महीना कर मिलेगा, मालामाल हो जाओगे। अब आप पहले मेहनत करते थे, 100 लोगों को लाते थे आरजी में, 10 आदमी टिकता था, 10 ही आदमी टिकता था। लेकिन अब 100 को लाएंगे ना, 100 में हम ये नहीं करें 100 टिकेगा, 80 भी नहीं टिकेगा, लेकिन 50 टिकेगा, 50 टिकेगा 100 में। पहले 10 टिकते थे, अब 50 टिकेंगे। पहले इनकम कम आती थी, अब इनकम डबल ट्रिपल आएगी, सोच के देखिए। तो ये प्लान धांसू है या नहीं है? और मैं तो बोलता हूं कि इसे धांसू प्लान तो हो ही नहीं सकता। तो रियल में काम करने का मौका अब आया है। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू डू हार्ड वर्क, नॉट स्मार्ट वर्क। ये जूम मीटिंग क्या है? स्मार्ट वर्क है ये, जूम से कुछ नहीं होता है। देखिए मैं यहां पे बोले जा रहा हूं, लेकिन हकीकत में बता रहा हूं, आप 2-4-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मोबाइल महंगे, फेसबुक में जाएंगे, व्हाट्सएप में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, कुछ नहीं याद रहेगा कि डी कुमार ने क्या बोला सब गायब। 2-4 दिन बाद तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि डी कुमार जी की मीटिंग हुई थी। फिजिकल मीटिंग करिए, होम मीटिंग करिए। फिजिकल मीटिंग, होम मीटिंग का कोई तोड़ नहीं है। अभी हमारी देखिए PUC पे मीटिंग कर रहे हैं, TCG ने बांध दिया है PUC पे, करो बेटा फोटो अपलोड करो। अभी फोटो अपलोड कर रहे थे 4 मीटिंग का, टेंशन बढ़ा दिया है, पॉइंट तो लेना है ना। और रूबी एंड डेबा का पॉइंट का पता है कितना वैल्यू है? बता देंगे तो सबका BPI हो जाएगा। बता ही देते हैं, सपना जब इनकम दिखा रही है तो पॉइंट भी बता देते हैं, 1 पॉइंट की वैल्यू 20,000 है। ये बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, लेकिन फरवरी का मैं बता रहा हूं। अब सोचिए 20 पॉइंट है, रूबी पे 10 पॉइंट मिलेगा, स्टार रूबी पे 20 पॉइंट मिलेगा, तो 20 पॉइंट का कितना हो गया कल्याण दीदी, कितना हो गया? 20 पॉइंट का 2 लाख के आसपास हो गया सर, 4 लाख हो गया दीदी, 4 लाख हो गया। वाला कैलकुलेशन कभी गलत नहीं करता। अब 4 लाख तो आ रहा है, 4 लाख बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ा, नींद नहीं आ रही है, खा रहे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये DC बाबा पागल बना दिए एकदम से, ध्यान हलचल मचा हुआ है। बेटा तू 17 साल में जहां पहुंचा है, ये मई से जस्ट डबल, बिजनेस वही होगा, सारूडी का इनकम डबल। आप बताओ बीपी हाई होगा कि नहीं होगा? और सारे को लीडर पागल हुए, जो ऊपर है ना, ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन है, ऊपर करंट सबसे ज्यादा डाल दिया है, एकदम 33,000 वोल्ट लगा दिया TCG ने।
तो बात को समझिए, ये पॉइंट आपको कहां लेके जाएगा ना, ये पॉइंट सिस्टम अगर शुरुआत में आया होता ना तो आज डी कुमार 1 करोड़ पे खड़ा होता, इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो 1 करोड़ बोलने में कितना लगता है लेकिन 1 करोड़ नोट आ जाएगा ना तो जब गिनेंगे तो 4-5 दिन कमर टेढ़ी हो जाएगी नोट गिने में, इतना होता है 1 करोड़। समझिए बात को, बी अलर्ट, बी सीरियस एंड डू फायर, अभी टाइम नहीं है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, एकदम इधर उधर मत भटकिए, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, सब हटाइए मोबाइल से, ये सब कचरा है, आपके दिमाग में कचरा डाल देता है। एक लड़का बोला सर सतीश पंडित जी का टेप सुनने के लिए सर यूट्यूब में लाख जाते तो जैसी ही डालते सपना चौधरी आ जाती आकरे सर, अब वो सपना का डांस देखने के बाद उधर से हटने का मन ही नहीं करता, मैंने कहा जाओ फिर सपना चौधरी ले जाएगी पैसा तेरे से। 99% लोग भटक जाते, मत भटकिए, आज विजुअलाइज कर लीजिए कि आपका मैक्सिमम पॉइंट कितना बनने वाला है, और हमेशा याद रखिए जो बन रहा है ना, जो मिल रहा है ना वो खैरात है, खैरात किसको मिलता है, भिखारी को। बहुत सारे लोग ये है ना समझदार लोग, अरे मेरा इतना पॉइंट हर महीने बनता है, इतना तो बन ही जाएगा, कुछ नहीं करेंगे तब भी बन जाएगा। अरे बन जाएगा वो खैरात मिलेगा भाई साहब, कंपनी के टर्नओवर का परसेंटेज मिल रहा है, छीनिए, छीनना पड़ता है, मिलता है ना वो खैरात मिलता है, और छीनेंगे ना वो आपका होगा, छीनिए। अब कल्याणी दीदी टर्न ओवर करेगी उसका भी हमको हिस्सा मिलने वाला है कल्याणी दीदी मुस्कुरा रही है कि चिंता मत कर, तू जो काम करता है ना तेरा भी मैं हिस्सा लूंगा क्या कमाल कर दिया टीसीजी ने, क्या कमाल कर दिया इस प्लान ने, तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है, टूट पड़ो, सोचने का टाइम नहीं है अभी, एकदम नहीं, न सोचने का टाइम है न सोने का टाइम है, दिस इज द टाइम टू वर्क हार्ड, एक्शन करिए, एक्शन करेंगे सब पर भारी पड़ेगा, पंडित जी बोलते हैं एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग, एक्शन करेंगे समटाइम यू विल अर्न, समटाइम यू विल लर्न, कहते हैं डांस इज हार्ड वर्क, डांस बहुत कठिन है, समटाइम यू विल लर्न, डांस करके बहुत लोग पैसा कमाते हैं, समटाइम यू विल लर्न, डांस करेंगे तो सीखेंगे, और अगर अर्न नहीं किए, लर्न नहीं किए, यू विल पुल योर मसल, काम करने से मसल पुलिंग होती है, तो काम करिए। तो बहुत अच्छा मौका है, आज आप सबने बोलने का मौका दिया, शायद मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, कितना टाइम हो गया, ओ माय गॉड, क्या करें, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा, एकदम मैं पहले दिन जिससे काम शुरू किया था ना, आज लग रहा है बस किसको पकड़ पकड़ के प्लान दिखाऊं किसको पकड़ पकड़ के ये नया वाला प्लान बताऊं, ऑफर बताऊं कि भैया देख ये है वो है, तो मौका है, अवसर है, आप सबने आज मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी।